जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कुलसुम फातिमा और आप देख रहे हैं बिहार टीवी। नालंदा यूं ही विश्व गुरु नहीं बना, बल्कि यहां की मिट्टी की सोंधी महक व लोगों की खासियत कुछ ऐसी है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। बेंद प्रखंड के माड़ी गांव के लोग गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश कर रहे हैं। यहां एक भी घर मुस्लिम नहीं है, लेकिन हर दिनों पाँचों वक्त की अजान होती है। हिंदू भाइयों को अजान देना नहीं आता तो वो लोग पेन ड्राइव की मदद लेते हैं। मस्जिद की रंगाई पुताई का मामला हो या फिर तामीर का, पूरे गांव के लोग सहयोग करते हैं और मस्जिद की सफाई का जिम्मा गौतम महतो, अजय पासवान, बखोरी जमादर व अन्य के जिम्मे है। ग्रामीण की मस्जिद से गहरी आस्था जुड़ी है। किसी भी घर में शादी विवाह हो या फिर किसी प्रकार की खुशी का मौका, सबसे पहले मस्जिद के ही दर्शन कर रहे हैं। मान्यता यह है कि ऐसा ना करने वालों पर आफत आती है। सदियों से चल रही आ रही है परंपरा को लोग बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। मस्जिद के बाहर एक मज़ार भी है, इस पर लोग चादर पोशी करते हैं। बताया जाता है कि गांव से पहले अक्सर आग लगी की घटना और बाढ़ आ जाया करती थी। करीब 500 से 600 साल पहले हज़रत इस्माइल गांव आए थे। उनके आने के बाद गांव में कभी तबाही नहीं आई। उनके गांव में आने से अगलगी की घटना ख़त्म हो गई, उसका निधन हो गया। इसके बाद ग्रामीण ने मस्जिद के पास ही उन्हें दफना दिया। 1942 के सांप्रदायिक दंगे के बाद सभी मुस्लिम परिवार गांव छोड़कर पलायन कर गए। तब से हिंदू भाइयों द्वारा इसका देखभाल किया जा रहा है। मंडी से हुआ माड़ी नाम बिहार शरीफ के खालिद आलम भुट्टो ने बताया कि उस मस्जिद की तामीर मरम्मत उनके नाना बद्र आलम ने करीब 200 वर्ष पहले कराई थी। जब नालंदा यूनिवर्सिटी थी तो वहाँ मंडी लगती थी, इसलिए गांव का नाम मंडी था। उसके बाद माड़ी हो गया। जैसे सामने उधर दक्षिण बैठका था, हमारे आज आए हैं 150 गो उनको घेर ली और चौकी पर बैठ गए और बड़ा हंस कर करके बोलते थे, ऐ हो ये है वो है, और एकदम लगता है कि प्रेम। तो अभी 5 टाइम अजान हो रहा है यहाँ पे कि नहीं हो रहा है? अभी तो नहीं हो रहा है भाई, झूठ हम कहा लेते हैं। वो तीनों के तीनों चला गया, तो अजान नहीं, अजान नहीं। कब से बंद है अजान? एक महीना हो गया। एक महीने से तीनों अपना काम काज को लेके बाहर चले गए। कौन कौन यहाँ पे करते थे देख? गौतम महतो और बाबूराम बिंद और अजय पासवान। ठीक है, तुम यहाँ पे देखभाल करते थे मस्जिद? बराबर अजान एकदम रेगुलर होता था। महीने भर से भी बंद चल गया काम? पहला शुरुआत तो जानकी पंडित था। अबे मैं कितना बीमारी के भी कारण चल जाते थे, कहा कि यहाँ गांव में कोई सुविधा नहीं थी, ना डॉक्टर था ना कुछ हो दिखाने के लिए। नदी से यह गांव घिरा हुआ? नदी से चारों पट्टी गांव घिरा हुआ है। घिरा हुआ था, अब तो इधर भी निर्माण हो गया, उधर भी पुलिया का निर्माण हुआ, दोनों आवागमन में सुविधा हो गई। हाँ, पहले रोड भी नहीं थी। तो अभी 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 भी मुस्लिम परिवार यहाँ पे आते हैं? हाँ आते हैं, करते हैं, आते हैं, आते हैं। हाँ, मस्जिद में कभी कुछ मेला वेला लगता है अभी? नहीं, मेला तो नहीं लगता। मेला नहीं लगता, लेकिन जो परिवार जो चला गया है वो आता है अपने, आते हैं फिर गांव घर अपना। हाँ, खेत बाड़ देखने के लिए। अरे उनका नतनी नाती सब आए थे यहाँ देखने के लिए, चलते हैं जरा नानी घर देखने। इसी प्रकार की आने वाली हर छोटी बड़ी ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।